आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में अध्ययन किया। आइए हम इस वीडियो में कोशिका अंगक या कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको पता है कोशिका अंगक क्या होते हैं? जी हाँ, हम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले भागों और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। सभी यूकैरियोटिक कोशिका को अपनी उपाष्पी यानी मेटाबॉलिक या रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं, जिन्हें कोशिका अंगक या कोशिकांग कहते हैं। और बहुकोशिकीय जटिल संरचना जैसे पौधे और जंतुओं के शरीर में होने वाले कार्य में सहायता हो सके, ये कोशिका अंगक है। केंद्रक, अंतरद्रव्यीय जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानियां, केंद्रक के बारे में हम जान ही चुके हैं। अब हम कोशिका अंगक अंतरद्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर के बारे में जानेंगे। यह झिल्ली युक्त नालिकाओं और शीट का बहुत बड़ा तंत्र होता है। इसकी रचना कोशिका झिल्ली जैसी होती है। अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी में गौर से देखें तो दोस्तों, आपको इनकी संरचना में कोई फर्क नजर आ रहा है? जी हाँ, कहीं पर ब्लैक डॉट्स हैं, कहीं पर नहीं। जिस अंतरद्रव्यीय जालिका पर ब्लैक डॉट्स होते हैं उन्हें खुरदरी अंतरद्रव्यीय जालिका कहते हैं, और जिस पर डॉट्स नहीं होते हैं उन्हें चिकनी अंतरद्रव्यीय जालिका कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये ब्लैक डॉट्स क्या हैं? ये ब्लैक डॉट्स को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम गोलाकार बनावट के और बेहद घने होते हैं। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये कोशिका में कहां बनते हैं? हम आपको बताते हैं, ये केंद्रक के केंद्रिका में बनते हैं, यानी ये केंद्रक के केंद्रिका में बनके केंद्रिका छिद्र से बाहर आकर अंतरद्रव्यीय जालिका पर चिपक जाते हैं, जिसे खुरदरी अंतरद्रव्यीय जालिका कहते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है खुरदरी अंतरद्रव्यीय जालिका पर राइबोसोम की मदद से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और चिकनी अंतरद्रव्यीय जालिका वसा और लिपिड अणुओं के बनने में मदद करती है। यानी अंतरद्रव्यीय जालिका कोशिका के अंदर प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण के लिए एक बड़ी सतह प्रदान करती है, फिर उन्हें आवश्यकता के अनुसार कोशिका के अन्य भागों में जाने के लिए रास्ता भी देती है। कुछ प्रोटीन और लिपिड्स कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। और कुछ प्रोटीन और लिपिड्स एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अंतरद्रव्यीय जालिका कोशिका के मूल जैविक अणुओं को बनाने और उन्हें कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए रास्ता देती है। अब हम अगला कोशिका अंगक गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी अपैरेटस जानेंगे। दोस्तों, इसे गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसकी खोज कोशिका में 1898 में कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण केंद्रक के पास झिल्ली युक्त थैलीनुमा पुटिका यानी वेसिकल्स जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर होती है, जिन्हें कुंडिका यानी किस्टन्स कहते हैं। गोल्जी उपकरण में गोलाकार पुटिकाएं यानी वेसिकल्स और नलिकाएं यानी ट्यूबुल्स भी होती हैं। गोल्जी उपकरण अंतरद्रव्य जालिका से संश्लेषित पदार्थ प्रोटीन और लिपिड्स को पुटिकाएं यानी वेसिकल्स के जरिए लाता है, और फिर उन पदार्थों का संचयन यानी स्टोर, रूपांतरण यानी मॉडिफाई और बंद यानी पैकेजिंग करके कोशिका के बाहर और अंदर अलग अलग जगहों पर भेजता है। इसी वजह से इसे कोशिका का डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं।
गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। चलिए अब हम लाइसोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कोशिका का झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है और इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकते हैं। दोस्तों सोचो, इसमें ये शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? जी हाँ, ये पाचक एंजाइम्स चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका पर बनते हैं और गोल्जी उपकरण के पुटिका यानी वेसिकल से लेकर कुंडिका यानी किस्टन्स में पैक यानी पैकेजिंग करके लाइसोसोम बनाते हैं। दोस्तों सोचिए, ये लाइसोसोम में क्या करता है? जी हाँ, कोशिका के अंदर कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों और बाहर से आने वाले उपशिष्ट पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन आदि लाइसोसोम में चले जाते हैं और उसका पाचक एंजाइम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और कोशिका को साफ करते हैं। और जब कोशिका किसी कारण से क्षतिग्रस्त या फिर मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम्स अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी टेक्स्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से लाइसोसोम कोशिका को साफ रखने का काम करता है। दोस्तों अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली यानी टू लेयर्ड मेम्ब्रेन युक्त कोशिका अंगक है। एक है बाहरी झिल्ली और दूसरी है भीतरी झिल्ली। इसकी बाहरी झिल्ली में छिद्रित यानी पोरस होते हैं और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक फलित यानी डीपली फोल्डेड होती है। दोस्तों आपको पता है, कोशिका को अपनी आवश्यक रासायनिक को करने के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है? सोचिए। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं जो अपनी भीतरी वलित झिल्ली में प्रोटीन और ऊर्जा बना सके, यानी कोशिका को आवश्यक रासायनिक को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा देता है। एटीपी एक ऊर्जा का ही रूप है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस भी कहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। अब हम अगले कोशिका अंगक प्लास्टिड के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको पता है, ये केवल पादक कोशिकाओं में ही होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है, ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों आपको पता है, पौधों का रंग हरा ही क्यों होता है? सोचिए। जी हाँ, इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इसमें हरे रंग का क्लोरोफिल वर्णक होता है जो पौधों को हरा रंग देता है। यही नहीं दोस्तों, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने में भी मदद करता है। ये एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होता है। इसकी भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, जिसे थायलाकॉइड जो स्ट्रोमा नाम के तरल पदार्थ में स्थित होती है। चलिए अब हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा है कि पौधों में फलों, फूलों और विभिन्न रंग के पत्तों में रंग कहां से आता है? जी हाँ, इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से। दोस्तों ये रंगीन प्लास्टिड होते हैं और ये पौधों में रंगीन फूल और फलों में कई तरह के रंग प्रदान करता है। चलिए अब हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये रंगहीन प्लास्टिड है जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। दोस्तों आपको पता है, प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाने में और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला कोशिका अंगक है रजधानिया यानी वैक्यूल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको पता है, कोशिका में सभी आवश्यक पदार्थ कहां संग्रह होते हैं? जी हाँ, कोशिका की रजधानियों में।
कोशिका की तरल और ठोस पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कई तरह के कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन आदि का संग्राहक होती है, जो पौधों के लिए बहुत आवश्यक पदार्थ होते हैं। दोस्तों, आपको पता है, जंतु कोशिका में इनका आकार छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका में रसथानियां बहुत बड़ी होती हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पादप कोशिकाओं में इनका माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होती है, जिसकी वजह से केंद्रक प्लाज्मा झिल्ली के पास आ जाता है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिससे कोशिकाओं को स्फीति यानी टर्जिडिटी और कठोरता यानी रिजिडिटी मिलती है। दोस्तों, आपको पता है, कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी होती है, जिसमें खाने के पदार्थ होते हैं, और कुछ एक कोशिकीय जीवों की राजधानियों में अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो कि बाहर निकलने में ये मदद करती है। सारांश, तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कोशिका के कोशिका अंगक के बारे में जाना। ये है केंद्रक, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसथानियां हैं।